अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास के तलबा तलबात, आज के सबक नंबर 7 योम दिफा। सबसे पहले अल्फाज मानी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ रकीम की, इसका मायनी तहरीर की, आगाज शुरुआत, संग मील मंजिल का निशान, बॉर्डर हदबंदी, अब्दी हयात हमेशा की ज़िंदगी, कमर टूट जाना बेबस हो जाना, जुम गलत ख्याल, पेशकदमी बढ़ते हुए कदम, फायज़ होना पहुंचना, पेशकदमी आगे बढ़ना, दिफा बचाओ, घुटने टेकना शिकस्त मान लेना हार मान लेना, इंसान सख्त लड़ाई, जहन्नम वासिल करना दुश्मन को कत्ल करना, जायम इरादे बरतरी अफजल, याद मनाना याद ताज़ा करना, फरावानी कसरत कारी सरब गहरी चोट, रकात व सुकनात चलना फिरना या उठना बैठना, तकीद इलाही अल्लाह की मदद। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद इन शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों को हदिया तबरक पेश करना है जिन्होंने सितंबर 1965 की जंग में वतन की हिफाजत की और बड़ी बहादुरी के साथ एक नई तारीख रकीम की। इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की इस्लामी से होता है। कौमों की ज़िंदगी में हमें इम्तहान और आजमाइश के दिन आते रहते हैं। जिंदा कौमें हमेशा इन आजमाइशों का जुरात और बहादुरी से मुकाबला करती हैं और कामयाब और कामरान ठहरती हैं। 1965 में ऐसे ही एक इम्तहान का सामना हमारी अजीम कौम और बहादुर फौज को करना पड़ा। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस दिन बुज़दिल दुश्मन ने आम असूल ज़वाबित बलाए ताक रखते हुए और बैन अल-अक़वामी सरहदों की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर के बॉर्डर पर हमला कर दिया। दुश्मन का ख्याल था कि पाकिस्तानी कौम बहुत मज़े से सो रही होंगी और वो बड़ी आसानी से अपने नापाक ज़हन में कामयाब हो जाएगा, मगर उसे ऐसा फौरी और मुँह तोड़ जवाब मिला कि उसके नापाक इरादे खाक में मिल गए। दुश्मन का ख्याल था कि पाकिस्तान के पास असला बहुत कम है, जिसकी वजह से वो आसानी मुसलमानों पर हमला करके पाकिस्तान को दोबारा अपने कब्ज़े में कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने थोड़े असले के बावजूद भी वो कारनामा सर अंजाम दिया कि दुनिया अशश कर उठी। दूसरे जंग के अजीम के बाद इस मुकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। दुश्मन ने एक ही वक्त में 600 टैंकों से के साथ हमला किया। हमारे बहादुर मुजाहिदों ने तकीद इलाही से अज़्म और शुजात की नई तारीख लिखकर अब्दी हयात हासिल कर ली। इन्होंने अपने जिस्मों के साथ बम बांधे और दुश्मन के टैंकों के आगे लेट के और इनके पर्चे उड़ा दिए। इस तरह चौदह का महाज दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। 6 सितंबर से 23 दिसंबर 1965 तक जारी रहने वाली 17 रोज़ जंग में पाक फ़ौजिया बरी और बहरी अफवाज ने दुश्मन की क़ुव्वत पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि जल्द ही इसका जंगी जुनून सर्द पड़ गया और वो हार मानने पर मजबूर हो गए। इस जंग में हमारे नौजवान मेजर राजा अजीज़ भट्टी की ड्यूटी वाघा बॉर्डर पर अडौली महाज पर थी। राजा अजीज़ भट्टी के कमांडिंग ऑफिसर ने इन्हें कई बार आराम करने का मशवरा दिया, मगर वतन की मिट्टी से शदीद मोहब्बत राजा अजीज़ भट्टी के खून में कुछ जोश मार रही थी। इन लिहाजा इन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के शदीद इसरार के बावजूद महाज जंग से पीछे हटने से मुआज़त कर ली। महाज जंग पर आपका 7वां दिन था। राजा
अजीज भट्टी एक ऊंचे टेले पर खड़े होकर दूरबीन से दुश्मन की हरकत और सुकनात पर नज़र रखे हुए थे। आप दुश्मन के टैंकों की मुख्तु जगहों पर मौजूदगी से अपने तोपची को आगाह करते और वह ठीक निशाना लगाता और गोला फेंकता। दुश्मन अपनी मौजूदगी की इस कदर दुरुस्त और ठीक ठीक निशानदही पर हैरान और परेशान थे। आप मुसलसल कई घंटे से ऊंचे टेले पर खड़े हिकमात दे रहे थे, इतने में दुश्मन की तोप का एक गोला आपके कंधे पर आ लगा और आप शदीद जख्मी होने की वजह से अपनी जान आफीन से सुपुर्द कर देगी और शहादत आला मरतबे पर फायज हो गए। इस जंग में हमारी फजाइया के बहादुर शहीनों ने फजाओं में अपनी जुरात और बहादुरी की नई तारीख रकीम की। हमारे बहादुर शहीनों ने जंग में हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 117 तैयारे तबाह किए। पाक फजाइया के स्क्वाड लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने अपने तैयारे से महसूस एक मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारों को निशाना बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। पाक पहरिया ने भी अपने साहलों और समंदरों को महफूज रखा और कामयाब जंगी कार्रवाई करते हुए द्रोका के किले को तबाह कर दिया, जिससे दुश्मन की कमर टूट गई और उसे संभलने का मौका ना मिल सका। 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर और कबूर कौम ने जिस जुरातमंदी और जज्बे से वतन अजीज का दिफा किया, इसकी याद हर साल मनाई जाती है। रेडियो और टेलीविज़न से दिवाए वतन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम नशर होते हैं। इस रोज़ पूरी कौम अपने वतन की हिफाजत का अहद करती है और वतन की सलामती की दुआएं मांगी जाती हैं। इसकी मश्क में सवाल नंबर 1, दर्जा सवालत के जवाब दें। योम दिफा कब मनाया जाता है? इसका जवाब, हर साल 6 सितंबर को योम दिफा मनाया जाता है। योम दिफा मनाने का मकसद क्या है? इसका जवाब, इसको मनाने का मकसद इन शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों का हदिया तबरक पेश करना है जिन्होंने सितंबर 1965 की जंग में मादरे वतन की हिफाजत की और नई तारीख रकीम की। 1965 में स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? जो आप मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में बैक वक्त मार गिराए और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुश्मन किस जुम में मुबतला था? इसका जवाब, दुश्मन अपनी फौज की अददी बढ़तरी और असले की फरावानी के जुम में मुबतला था। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी की शहादत किस तरह हुई? इसका जवाब, आप मुसलसल कई घंटों से ऊंचे टेले पर खड़े अहकाम दे रहे थे, कई टैंक भी तबाह किए, इतने में दुश्मन की तोप का एक गोला आपके कंधे पर आ लगा, जिसकी वजह से आप शदीद जख्मी होने की वजह से शहादत नोश फरमाए। हर साल 6 सितंबर के दिन पूरी कौम किस बात का अहद करती है? इसका जवाब, इस रोज़ पूरी कौम अपने वतन की हिफाजत का अहद करती है और वतन की सलामती की दुआएं मांगी जाती हैं। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने दुश्मन का कौन सा किला तबाह किया था? इसका जवाब, पाक बहरिया ने दुश्मन का द्वारका का किला तबाह कर दिया। सवाल नंबर 2, दर्जल अल्फाज का तलफ़ इराब से वाजा करें। लफ्ज़ मैं आपको पढ़ देती हूँ, इराब आपने खुद लगाने हैं। नुकित, गासिब, जुम, इसरार, दूरबीन, गयूर। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने बहुत अच्छी रीडिंग की, यह आप आसानी खुद हल करेंगे। सवाल नंबर 4, अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें, आपने ये खुद हल करना है। सवाल नंबर 5, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना करें, जुमले आपने खुद बनाने हैं। अल्फाज में आपको पढ़ देती हूँ, अश अश करना, कमर तोड़ देना, घुटने टेकना, पक्षे उड़ाना, खाक में मिलाना। सवाल नंबर 6, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में रब पैदा करें, आपने बहुत अच्छी रीडिंग की, ये भी आप खुद हल करेंगे। सबक नंबर 7, सबक में से 10 इसम नकरा तलाश करके लिखें, आपने
लेसन के अंदर से 10 इसम नकरा तलाश करके खुद लिखने हैं। मुतशाबा अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक सी हो मगर इनकी इमला यानी कि लिखने में और इनके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हों, मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। मसलन जन, आम, हाल वगैरह। सवाल नंबर 8 आपने खुद हल करना है। मायने लोगों से तलाश करके लिखें। हम शुरू में बहुत अच्छे तरीके से मायने कर चुके हैं, ये भी आपने खुद हल करने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।